हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है ना, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। बरसात के मौसम में जब सब्जियाँ महंगी मिलती हैं और सब्जियाँ नहीं मिल पाती आसानी के साथ, तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही औसम सब्जी है, हर किसी को ये पसंद आएगी। और तो और, अगर आपको जुकाम हुआ है ना, तो भी ये सब्जी आपको बहुत ही मतलब आराम देगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, अपनी सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं बता देती हूँ, आज मैं आलू और बरी की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो फुल वॉच करिए, वीडियो जैसी भी लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आलू बरी की सब्जी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज मैं बहुत ही सिंपल चीज़ों से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आलू लेना है आपको, तो मैंने एक बड़े से बाउल में आलू ले लिए हैं और इसे मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ को प्याज को मैंने कट कर लिया, 3 हरी मिर्च मैंने ले लिया, मिर्च को भी आपको कट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिया है गरम मसाला 1 चम्मच, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया है और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टेबल स्पून हींग पाउडर है और 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पंचफोरन ले लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अगर आपके पास अदरक और लहसुन है तो आप उसे पीस लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। और ये मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बरी, ये जो उड़द दाल की बरी होती है घर में बनाई जाती है और मार्केट में भी मिलती है, तो इसे मैंने ले लिया है, 4 मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसे हम हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फिर इस सब्जी को आप फटाफट बना सकते हैं। इस सब्जी को मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। कुकर में भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें बरी डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मतलब ये जलना नहीं चाहिए। तो देखिए ये बरी फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इस ऑयल में आपको डालना है पंचफोरन और हींग। तो ये देखिए पंचफोरन और हींग मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई मिर्च और प्याज। तो प्याज को हल्का सा भून लेना है, इसका कलर चेंज हो जाए, इतना ही आपको इसे भूनना होगा। और आज जो हम ये सब्जी बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। बारिश के मौसम में जब सारी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, सब्जियां जल्दी नहीं मिलती, तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो देखिए ये पेस्ट मैं 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ। टमाटर के साथ साथ इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे ताकि लहसुन के कच्चेपन की जो महक होती है ना, वो निकल जाए। तो अब आती है सब्जी में मसाले डालने की बारी। तो ये है नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे। आपको 1 मिनट तक इन्हें भून लेना है और आप देख पा रहे हैं अभी 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इन्हें हम फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा आपको इसे भून लेना है। तो देखिए ये भून चुका है मसाला हमारा अच्छे से। तो अब कटे हुए आलू को ऐड करेंगे, साथ में ये जो बरी को हमने भून के रखा था इसे भी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और इसे हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 1 मिनट हो गया है और इसे हम एक बार चला देंगे। अब इस सब्जी को सूखी बनानी है या गीली, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप गीला बनाना चाहते हैं थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अगर आपको इसे चावल से खाना है तो आप चावल तो इसमें पानी ज़रूर डालिए। ये बरी का जो झोल है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए आपको झोल वाली सब्जी बनानी होगी, यानी कि यहाँ पे खूब सारा रस्सा लगाना होगा। और आपको पता है ये जो मतलब इसका जो रस्सा होता है ना, जो इसका जो झोल होता है इस सब्जी का, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसमें टेस्ट, सुगंध सब बहुत अच्छी आती है। अगर आपको जुखाम, सर्दी, खांसी हुआ है तो आप इस रस्से को भी पियेंगे ना, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सब्जी खाएंगे तो उसमें आपको जुखाम में भी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जो ये बरी होती है मसालों से तैयार की जाती है और मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके सूप में। तो आप पानी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं।
और अब हम इसे कवर करेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे दो सीटी आने तक इसका हम वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो सीटी कंप्लीट हो गई है। गैस को मैं ऑफ करूंगी और अच्छे से एयर निकलने देंगे, उसके बाद हम अपनी सब्जी को बाहर निकालेंगे। तो देखिए दो सीटी भी आ चुकी है, सब्जी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे चला के दिखाती हूँ आपको। एकदम परफेक्ट हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है। तो देखिए हमारी ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।